हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव. और मैं हूँ प्रीति. मैंने आई थिंक 1 मंथ या फिर 2 मंथ पहले शी इन हॉल किया था मेरे चैनल पर. तो इस बार मुझे थोड़ा सा डिले हो गया, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. इस बार मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस सिलेक्ट की है, और मोस्टली मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ड्रेसेस इस बार की शी इन से सिलेक्ट की है कि इंडियन मॉम, अगर से कोई इंडियन मॉम हो, वो किस तरीके की ड्रेसेस शी इन से सिलेक्ट करे. इस बार जब मैं शी इन से अपने लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही थी, तो मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि मैं ऐसी ड्रेसेस सिलेक्ट करूँ जो कि बहुत ही डिसेंट हो, और मेरी जगह कोई भी अगर इंडियन मॉम हो तो वो बिना किसी सेकंड थॉट के उसे पहन करके घर से बाहर जा सकती. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं. और जो सबसे पहला पीस है वो मैंने पहना हुआ है, ये है एक बहुत ही खूबसूरत सा ये वन पीस, जैसे कि आप पार्टी गाउन भी बोल सकते हैं. अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, आपके बच्चे का बर्थडे है या फिर कोई भी फंक्शन है, आप इस ड्रेस को आराम से किसी भी पार्टी में वेयर कर सकते हैं. और मैंने ब्लैक कलर में लिया. इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, लाइक रेड, येलो, बेज, पिंक, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे, बट मैंने ब्लैक लिया. और ब्लैक लेने से क्या होता है, थोड़ी सी टमी भी हाइड हो जाती है, दैट्स व्हाई मैंने ब्लैक प्रेफर किया. बहुत ही खूबसूरत इसका मटेरियल ले लीजिए आप, या फिर इसका जो पूरा घेर वगैरह है, सब बहुत ही अमेजिंग है. और मैं श्योर हूँ कि आप किसी भी फंक्शन पे अगर इसे पहनेंगे तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कहाँ से लिया, और आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये ड्रेस सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कंफर्टेबल है. देन सेकंड जो ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये भी है एक वन पीस, ए लाइन वन पीस है ये, और इसमें है यहाँ पर फ्रंट में स्लिट, और यहाँ पर ये जो बटन्स हैं, ये सारे बटन्स भी ओपन हो जाते हैं. तो आप इसे एज वन पीस भी पहन सकते हैं, यानी वन पीस गाउन भी पहन सकते हैं, और इसे आप एज श्रग भी पहन सकते हैं, या फिर एज जैकेट भी पहन सकते हैं. तो ये भी आप आराम से पहन करके कंफर्टेबली घर से बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं. सो मुझे ये पीस बहुत ही पसंद आया था. कलर इसका एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव लगा था. मेरे पास ऐसा ही पिंक एक है जो कि शीइन से ही मुझे आया था रिव्यू के लिए, और इस बार फिर से मैंने सोचा मैं ऐसा ही कुछ मंगवाती हूँ. तो मैंने ये मंगवाया. इसमें यहाँ पर टैसल भी है, बहुत ही कंफर्टेबल है. और बर्थडे पार्टीज़ मैं कल ही से एक बर्थडे पार्टी में पहन कर गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही डिसेंट लुक देता है. तो ये है सेकंड पीस. एंड थर्ड पीस मैंने मंगवाया है ये जैकेट, कलरफुल जैकेट. आप देखिए, आपके कलेक्शन में एक ऐसा जैकेट होना ही चाहिए, फिर चाहे आप कितना भी सिंपल सा कोई सा ड्रेस पहन रहे हो, और उस पर अगर आप ऊपर से ये जैकेट पहन लें तो आपकी पूरी जो लुक है उसे ये चेंज कर देगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कलरफुल है, इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं इसमें. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, डबल लाइनिंग वाला मटेरियल है, तो आपको ठंडी से भी बचाएगा ये, और बहुत ही अच्छा लगता है. और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने इसे नॉर्मल डेज में पहन लिया तो आपको इसमें गर्मी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें वुलन का कपड़ा नहीं है, थोड़ा थिक कॉटन है ऊपर, और अंदर की जो लाइनिंग है वो मुझे नहीं पता कौन सा, थोड़ा सा ऐसे सैटन टाइप का कपड़ा है, तो अंदर की जो लाइनिंग है वो थोड़ी सैटन सी है, ऊपर का जो है ये कॉटन का है. तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन देखिए. सिंपल सी ड्रेस पहन के उसके ऊपर से ऐसा जैकेट पहन लो तो पूरा लुक जो है वो चेंज हो जाता है. तो ये है नेक्स्ट पीस, और आई थिंक हर किसी के वार्डरोब में ऐसा कुछ होना ही चाहिए. फिर उसके बाद मैंने एक और वन पीस लिया है, और ये भी ब्लैक कलर का ही है. इस बार मैंने ब्लैक कलर की थोड़ी ज़्यादा ड्रेसेस ले ली. इसमें देखेंगे आप तो पोल्का डॉट्स हैं वाइट कलर के, और यहाँ पर ये हाई नेक आता है, और ये ऐसे दो क्या बोलेंगे स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि आप बांध करके एज टाई पहन सकते हैं, यहाँ पर नॉट बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ट्रेंडी दिखता है. और इसकी मैं लेंथ आपको बता दूँ तो नीज से बहुत नीचे आती है, और बिल्कुल भी मतलब सी थ्रू नहीं है ये, बिल्कुल भी शीयर कपड़ा नहीं है इसका, अच्छा कपड़ा है. तो ये भी पीस मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली ये बहुत ही क्लासी लुक देगा, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप अगर इसे पहन कर जाएंगे तो बहुत ही क्लासी, बहुत ही कॉर्पोरेट सा लुक देगा ये जो वन पीस है ये. तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, सो दैट्स व्हाई मैंने ये ले लिया. और सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, और सबकी प्राइजेस विथ इनका साइज जो मैंने ऑर्डर किया वो आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगी. तो ये है नेक्स्ट पीस, बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे ये. देन इसके बाद में मैंने एक और वन पीस लिया है जो कि
कुछ ऐसा है। इसका प्रिंट एक्चुअली मुझे इसके प्रिंट ने बहुत ही अट्रैक्ट किया था और ये स्ट्रिप्स वाला है, मतलब ये रोप वाली कुछ स्ट्रिप है जो कि एडजस्टेबल है। आपको जितनी लंबी स्ट्रिप बनानी है उतनी लंबी बना सकते हैं और जितनी छोटी बनानी है उतनी छोटी बना सकते हैं। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर्ल लगा हुआ है और इस साइड का पर्ल जो है वो टूटा हुआ आया, बट पॉलिथिन में ही था, वो मैं बाद में चिपका लूँगी। तो इसके प्रिंट ने एक्चुअली मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था। ये देखिए, ये रोज़ नहीं है, ये कोई दूसरे फ्लावर्स है रेड और पीच कलर के, तो बहुत ही अच्छा लगा था। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा शीयर कपड़ा है और ये थोड़ा सा सी थ्रू है, तो अगर मैंने इसे अंदर कुछ स्लिप पहनकर नहीं पहना तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसे पहनने से पहले मुझे इसके अंदर कुछ लाइनिंग पहननी होगी, देन ही मैं इसे पहनकर बाहर जा सकती हूँ। और डे टाइम पर ही पहनने में ये जो ड्रेस है ये अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल अच्छा लुक दे रहा है ये, बट सिर्फ एक डिसएडवांटेज इस ड्रेस का ये है कि ये थोड़ा सा सी थ्रू है, थोड़ा शीयर कपड़ा है इसका। सो ये है नेक्स्ट, और ये पूरा फुल लेंथ आता है और बहुत ही कंफर्टेबल है ये भी। इसके बाद एट लास्ट अगेन मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस बार जब मैं ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही थी तो मुझे ब्लैक ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो ये एक्चुअली है एक शर्ट ब्लैक कलर की, जिसमें कि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है और इसका लुक आप देखेंगे तो मतलब अलग से ही क्लासी सा लुक। अगर इसे आप डेनिम के ऊपर पहन रहे हैं तो बहुत ही सुंदर, और उसके साथ ही साथ ये बहुत कंफर्टेबल था यार, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। आप किसी भी घर से बाहर निकलें घूमने फिरने एंजॉय करने और ये पहनकर चले जाइए, पहली चीज़ आपका लुक बहुत ही अच्छा आएगा और दूसरी चीज़ ये बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो ये था नेक्स्ट लास्ट पीस। और इसका जो ये हैंड की डिटेलिंग है, ये जो हैंड का वर्क है, ये जो है इसके पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है। तो इतने पीसेस थे जो कि इस बार मुझे Shein से आए फॉर रिव्यू पर्पस, और आई होप आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इस बार मैंने माइंड में यही रख के लिया था कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मोस्टली जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सारी मॉम्स हैं, इंडियन मॉम्स हैं, तो वो किस टाइप के ड्रेसेस पहनने में कंफर्टेबल होंगी, वो चीज़ ही सोचकर मैंने इस बार जितनी भी ड्रेसेस थी वो सिलेक्ट की थी। तो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।